गाने के जो वर्डिंग्स है वो वर्डिंग्स गिटार से जब बजाओ या कीबोर्ड से बजाओ या किसी चीज से बजाओ वो वर्डिंग्स क्लियर आना चाहिए एकदम, जैसे मुसाफिर हूं यारो तू हूं यारो, ये सारी चीज को समझ के आपको लीड करना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? द सेकंड लाइन मगर, ये सीन देखो, तो ये अगर नहीं आ रहा तो चलते, यहाँ थर्ड नंबर फिंगर लगाओ एफ नोट में, ए सर आप नोट हो गया, जी ओपन, फिर ए और एफ, अब जब गाना स्टार्ट होगा तो गाना स्टार्ट होगा तो क्या करेंगे, जैसे लगा रहे वैसे लगाना, फिर फ्लूट वाला पार्ट सेम नोट से इजी है, ले लो ने ना
फ्लैट और सी मेजर, ठीक है। अब देखो ध्यान से कैसे लगा रहे हैं, जो फ्लूट का पार्ट है तरारारारा, तो इसको आप लोग हैमर बोलते हो, मैं तो इसको भी हाथ ही बोलता हूँ, क्योंकि देखो ये क्या, देखो ए सर ए ए सर, कैसे रखेगा, कैसे लगा रहे, ये चीज ये हिसाब से अगर जहां तक आएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अगर दिक्कत है हड़बड़ में बजा रहे तो कैसे मेरे स्टाइल बजा रहे तो ये चीज क्लियर आ रहा है, तो जब आप भी बजाओ तो ये चीज क्लियर आनी चाहिए, ठीक है। देखो करना, जो बहुत मेहनत वाले हैं मेहनत कर सकते हैं, वो चीज को करके देखो, बजा के देखो, ठीक है। और एक बात, ये यार बड़ा परेशानी होती है, एक बात मेरे पास कमेंट आता है कि सर आप नीचे टैब लिख दिया कीजिए। देखो टैब, अगर मैं स्ट्रिंग नंबर फ्लैट नंबर लिख दूं उसको टैब, वो मैं कभी देता ही नहीं, या जो भी मेरे स्टूडेंट है अगर आप किन्हीं को भी जानते हैं तो आप पता कर लेना, मैं वैसा टैब देता ही नहीं। जिसको आप टैब बोलते हैं उसको मैं नोट्स बोलता हूँ। नोट्स लिखने में काफ़ी मेहनत पड़ती है, डायरी में भी वो सारे नोट्स अगर जो हम बनाते हैं वो नोट्स का लिखने का पैटर्न वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये सारे नोट्स ये सब जो लिखता हूँ मैं, ये सारे ये अलग हो जाते हैं, ये गाने के हिसाब से हमको लिखना पड़ता है। और इसका अपलोडिंग यूट्यूब में करना ये बड़ा दिक्कत है, क्योंकि हर गाने का नोट्स रेडी नहीं होता, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिए। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप थोड़ा वीडियो को स्लो करके देख लो, आपका प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि हर चीज आपको रेडीमेड प्रोवाइड हो जाए और एकदम आप हर चीज हो जाए, तो वो मेरे पास तो नहीं होगा, जहां होगा वहां की बात अलग है, हम नहीं करा पाएंगे उस हिसाब से, क्योंकि किसी भी चीज को काम चलाऊ हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो ये लास्ट लाइन समझो कैसे लगाना है, क्या है देखो, ये बजा दी, अब देखो क्या किए, Thank you.
स्ट्रिंजा भैया खत्म हो गया है गाना पूरा ये। ओके फिनिश। अब स्ट्रमिंग की बात है तो स्ट्रमिंग अगर टाइम मसा निकलेगा तो स्ट्रमिंग की वीडियो मैं अपलोड जरूर करूंगा। और आने वाले समय में मैं खुद अपना कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे मेरे कोर्स को खरीदने के लिए वो मुझसे मैसेज करेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली एक दो महीने में मेरी कोर्स सारी लॉन्च हो जाएगी। जैसे आप लोग बोलते हैं ना बेसिक वीडियो, तो मैं जो लॉन्च करूंगा उसमें बेसिक जो जरूरत चीजें बेसिक जाननी जो जरूरत है जितनी उतनी चीजें आप बेसिक में जान जाओगे। बेसिक वीडियो जानने के बाद आपको स्किल के बारे में बता दूंगा, फिर आप गाने बजाओ, बात यहाँ खत्म होती है। उसके बाद मेरे पास कोई लटपट इधर उधर फलाना ढेमकाना ये सब कुछ नहीं है। वो एक से दो महीने के बाद वो कोर्स लॉन्च हो जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड होते हो तो आप कोर्स खरीद सकते हो। ठीक है, बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में। चलता हूँ, नमस्कार। मुझ पर अपना प्यार बरसाते रहना और मेरे चैनल के साथ मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मेरे फेसबुक पेज पे आप मिलो। टाटा करता हूँ, नमस्कार सबको, सबको दिल से प्रणाम करता हूँ। चलिए बाय बाय।